जितनी बैंक नहीं थी सब पैसा जमा कर दी, लेकिन सोचो अगर बैंकों में पैसा जमा हो गया तो आज वही बैंक जिनमें पैसा जमा हुआ था वो घाटे में क्यों चली गई? कौन सा कारण था कि बैंकें घाटे में चली गई? आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी बैंकें घाटे में है, बैंकें बिगड़े जा रही हैं, बैंक मर्ज हो रही है, और हो सकता है ऐसा दिन भी आए कि बैंकें कह दें कि जो पैसा आपने जमा किया वो आपका नहीं है, अब तो बैंक डाउन हो गया, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों ने कहा कि हमारी कीमत नहीं मिल रही है, उन्होंने कहा कि ज्यादा गन्ना मत पैदा करो, चीनी से डायबिटीज हो रही है। यही धरती है जहाँ पर इतने खराब इतनी जातियां हैं, इतना भगवान होने के बाद भी अगर कोई जान दे रहा है तो वही हमारा अनाज निकाल पौधा करने वाला हमारा देश का वही आत्महत्या, कोई भी साधन चले। इतना बेरोजगार की दुनिया में कहीं नहीं है जितने अपने देश में बेरोजगार है। बेरोजगारी कैसे खत्म हो हमें आपको सोचना होगा। जो धर्म तुमको मानने वाले लोग हैं वो धर्म नहीं मान रहे हैं, वो केवल भ्रम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ दो अपने आप बंदर भाग जाएंगे, और हमने वो बात मान ली, हम लोगों ने वो बात मान ली, लेकिन सोचो हम और आप तो अगर धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो कभी कभी हम हनुमान जी का रूप अपने उसी बारह नवंबर में देख लेते हैं। तो अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो बंदर भागेंगे नहीं, बंदर आपके पास आ जाएंगे हनुमान चालीसा सुन करके कि कोई हमें बुला रहा है पुकार। तो कहते थे कि क्यों ये यादवों की सरकार है इसीलिए खाने में बैठे हुए हैं। जो हजारों करोड़ चला गया न जाने कितने लोग कहां कहां कितनी दूर चले गए। अगर कोई थाने में कहीं भी अगर यादव का रिश्तेदार है हमारा रिश्तेदार है तो फिर जो भागने वाले लोग हैं उनके नाम के पीछे भी कुछ लगाए तो हो सकता है वो आपके लिए। यही उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद भेज दिए। और क्या मिला आपको? जो वादा किया था वो काम कितना पूरा हो गया? हमें और आपको थोड़ा बहुत संविधान और कानून से हक और सम्मान मिल जाता था। और ये केवल मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूँ, हमारे जैसे जितने लोग हैं उनको थोड़ा बहुत हक और सम्मान मिल जाता था संविधान से। लेकिन ऐसी साजिश रची है कि उस हक और सम्मान को छीनने का काम करने का। और अगर हम और आप जागे नहीं और हम और आप लोग अगर कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन नहीं उठाया तो जो लोग हमें धोखा दे रहे हैं वो फिर धोखा दे करके निकल जाएंगे।